नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गौतम बुद्ध भी पशु पक्षियों से प्रेम रखते थे। मनुष्य हो या पशु पक्षी, सभी को अपने प्राण बहुत प्यारे होते हैं। किसी भी मनुष्य को ये हक नहीं है कि वह बलि के नाम पर किसी भी पशु पक्षी या जानवर की हत्या कर दे। किसी भी भगवान ने यह नहीं कहा कि मासूम पशु पक्षी की जान लेकर वह खुश होंगे या प्रसन्न होंगे। प्रसन्न होकर वह लोगों की मनोकामनाएं पूरी करेंगे। सभी मनुष्य को सभी पक्षी जानवरों से स्वभाव और प्रेम रखना चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं, गौतम बुद्ध ने भी दया की थी पशु पक्षियों पर। यह उन दिनों की बात है जब घर घर में पशुओं की बलि दी जाती थी। लोग अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि देते थे। वह सोचते थे कि ऐसा करने से उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। गौतम बुद्ध ने पशुओं की बलि चढ़ाने पर विरोध किया। उन्होंने कहा, जैसे मनुष्य को अपने प्राण प्यारे होते हैं, उसी प्रकार पशुओं को भी अपने प्राण प्यारे होते हैं। जानवरों की हत्या या पशुओं की हत्या करना अधर्म होता है। गौतम बुद्ध का ऐसे विरोध करने पर जब कुछ लोगों को पता चला तो वह आग बबूला हो गई। लोगों ने गौतम बुद्ध से कहा, ऐसा करना हमारे पवित्र ग्रंथ ने हमको इजाजत दी है, हम पशुओं की बलि चढ़ा सकते हैं। गौतम बुद्ध के इस विरोध का कोई अर्थ नहीं था। गौतम बुद्ध ने बोला, हम अपनी खुशी के लिए दूसरों को कष्ट नहीं दे सकते। जिस प्रकार हमें भी अपने प्राण प्यारे होते हैं, उसी प्रकार जिसे हम मारते हैं उसको भी अपने प्राण प्यारे होते हैं। जो अपनी खुशी के लिए दूसरों की जान लेता है वह स्वार्थी तुच्छ इंसान होता है। स्वार्थी इंसान को दुख और पछतावे के सिवा अभी तक कुछ नहीं मिल पाया है। मैं बार बार कहता हूँ, वह देवता भी दयालु नहीं होता जो मासूम पशु पक्षियों की जान लेकर प्रसन्न होता है। वह कभी भी आप पर दया नहीं कर सकता। देवता कहलाने के लायक है ना ही उसकी पूजा करने के लायक है वो, जो मासूम पशु पक्षियों की जान लेने से अपने आप को प्रसन्न करवाता है। गौतम बुद्ध ने कहा, यदि आप पशु पक्षियों के प्रति प्रेम स्वभाव का व्यवहार रखते हो तो आप महान हो, फिर तो देवता को भी आपकी प्रस्तुति करनी पड़ेगी। गौतम बुद्ध के ऐसे उपदेश सुनकर लोग ने अपने पुराने संस्कारों को त्याग दिया। इस प्रकार पशु पर निर्दयता का अंत हो गया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।